प्रदेश सरकार ने आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ा दिया है, जिसको लेकर आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपने ट्वीट के जरिए सभी आशा वर्कर्स को यह संदेश दिया कि सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाने की मांग मान ली है, जिसके बाद आशा वर्कर्स आज अनिल विज के निवास स्थान पर पहुंची और उनका धन्यवाद किया। बरसों से अपनी मांगे मनवाने के लिए आशा वर्कर लगातार धरने प्रदर्शन कर रही हैं। पिछली कांग्रेस सरकार के समय में आशा वर्कर को भाजपा के नेताओं ने कहा था कि भाजपा की सरकार आते ही उनकी मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन सरकार आने के बाद भी उनकी मांगे नहीं मानी गई और सरकार द्वारा कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगवाकर इनकी मांगों को लटकाए रखा गया। लेकिन बावजूद उसके अनिल विज हर कैबिनेट की मीटिंग में आशा वर्कर का मुद्दा उठाते रहे और आखिरकार आज उनकी मांगों को मान लिया गया। आशा वर्कर का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष प्रवेश कुमारी की अगुवाई में मंत्री अनिल विज के पास धन्यवाद करने पहुंचे। इस दौरान आशा वर्कर्स ने अपनी कुछ और मांगों का मांग पत्र अनिल विज को सौंपा और साथ ही उन्होंने खुशी जताई कि अगर उनकी मांगे पूर्ण रूप से मान ली गई हैं तो वह खुश हैं और मंत्री अनिल विज और सरकार का धन्यवाद करते हैं। जो कल स्टेटमेंट जो स्वास्थ्य मंत्री ने जारी की थी, तो उस पे हमारे को जो कन्फ्यूजन सा था वो हम क्लियर करने के लिए यहाँ पर आए थे कि जो स्वास्थ्य मंत्री ने बोला ना कि 1000 से बढ़ा के 4000 रुपये फिक्स कर दिए और डिलीवरी में 200 से बढ़ाकर 300 कर दिए, जबकि 1 तारीख ने जो हमारा स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में जो हमारा समझौता हुआ था उसमें ये हुआ था 1000 से बढ़ा के 3000 रुपये फिक्स और कुछ इंसेंटिव में 4000 रुपये फिक्स और कुछ इंसेंटिव में बढ़ोतरी की गई थी कि टीकाकरण का जो हमें 150 रुपये मिलता है वो 250, HBPNC का 250 पे 350 और डिलीवरी के जो जर्नल की है उसके 200 रुपये मिलते थे तो उसके 300 और SC की 300 की बजाय 400 और जो हम गैप करवाते हैं उनमें तो ये पूरा समझौता हुआ था और ये कहा था कि आशा वर्कर को भी NHM के दायरे में लाया जाएगा तो और आशा फैसिलिटेटर का जो केस चला हुआ है उसको हम वापस ले लेंगे और दोबारा से और आशा फैसिलिटेटर भर्ती करनी है, आशा फैसिलिटेटर को रखा जाएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि आशा वर्कर काफी लंबे समय से अपना मेहनताना बढ़ाने की बात कर रही थी, जिसे सरकार ने मांग लिया है और लगभग इनको मिलने वाली मासिक प्रोत्साहन राशि को 70% बढ़ा दिया गया है। विज ने बताया कि आशा वर्कर का मासिक प्रोत्साहन राशि 1000 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 4000 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही डिलीवरी के प्रत्येक केस के लिए 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिए गए हैं। विज ने कहा कि इनसे आशा वर्करों को लाभ होगा, वहीं राज्य सरकार को लगभग 76 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। के मांग थे और जो इनका फिक्स्ड अलाउंस है वो पहले 1000 रुपये था जो कि बहुत कम था, हमने उसको बढ़ा के 4000 रुपये कर दिए हैं और मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति भी प्रदान हो गई है। बाकी भी जो इनके इंसेंटिव्स इनको मिलते हैं, इनके इंसेंटिव बेस्ड वो है, वो भी बढ़ा दिए गए हैं, सारे इंसेंटिव भी बढ़ा दिए गए हैं, कुल मिलाकर इनको 60-70% का इजाफा इनके जो टेक होम है सैलरी है उसमें होगा।